स्वागत है आपका आसुरा एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में कद्दावर मंत्री डीएस सिंहदेव से कई मुद्दों पर खास बातचीत की है सुराज संवाददाता अरविंद चौहान ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीएस सिंहदेव जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले सुराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ में का जो विकास की जो रफ्तार है, देश में खरीदी बहुत कम हो रही है, जीएसटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो जीडीपी दर कम हो रही है, बहुत सारे जो गाड़ियां हों उनकी बिक्री नहीं हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ थोड़ा सा इससे अलग जा रहा है, कैसे देखते हैं? एक संतोष का विषय है कि जिस बात को लेकर हम लोगों ने घोषणा पत्र में राहुल जी के निर्णय को रखा था कि किसानों के कर्जे को माफी करना है और 2500 रुपए में कम से कम उनके धान की खरीदी करनी, ये दो चीजों से क्रय क्षमता हमने हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों की बनाई और यही कारण है कि आज अगर वहां पर मार्केट डल नहीं दिख रहा कि कुछ न कुछ पैसे बाजार में हैं, लोग खरीद रहे हैं, कुछ न कुछ सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो दो चक्के की गाड़ियां हो, चाहे सोना हो, चाहे अन्य वस्तु है, तो कांग्रेस के उस फैसले ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचाया। सब सवाल ये होता है कि अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ बहुत सारे नवाचार किए गए हैं और विशेष तौर से आपकी जो अंबिकापुर विधानसभा सीट है उसमें एक अलग से नवाचार किया गया है कि प्लास्टिक लाओ खाना ले जाओ, कैसे देखते हैं ये बड़ा है? चूंकि लग रहा है कि इससे और जो विधानसभा है या और प्रदेश है या दूसरे प्रदेश है इंस्पायर होंगे। जरूर सबको प्रयास करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक एक नाम आपने बड़ा अजीब रखा हुआ है। हाँ नहीं, गार्बेज कैफे के नाम पे आकर्षक नाम भी रखा। हमारे मेयर साहब हैं डॉक्टर अजय तिर्की जी, उनकी भी एक ये बड़ी अच्छी सोच रही और हम लोगों ने मिलके इसको वहां पर लागू किया। एक जगह चुना बस स्टैंड में, वहां पर रेस्टोरेंट एक बनाया है और सामने एक केंद्र बनाया है जहां लोग लाके प्लास्टिक तौल के जमा करेंगे, एक टोकन लेके आएंगे और नाश्ता या भोजन करके। ये सब आपके विधानसभा क्षेत्र में है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू करने का प्लान है? होना तो पूरे देश में चाहिए। अच्छा, बाकी अपनी अपनी मंशा है और इसको सफल होते भी देख लें। एकाएक कहीं पर कुछ चालू हुआ और सबको एकदम पीछे से लग जाए, वो भी मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं है। एकाध महीना, डेढ़ महीना, दो महीना देख लें कि ये कैसे चलता है, कैसे सफल है। अगर ये प्रयोग सफल होता है कि नगर निगम खाने की व्यवस्था करती जाती है और लोग प्लास्टिक लेके आते जाते हैं, तो ये जरूर फिर अनुकरण करना चाहिए। लोग आ रहे हैं। एक आपने और योजना शुरू की है बैंक सखी, इसे कैसे देखते हैं आप? इसमें क्या है पूरा इसका अगर शेड्यूल देखें हम, तो बैंक सखी का क्या मतलब है और कैसे लोग देखते हैं कि बैंक सखी नाम ऐसे क्यों रखा गया? इसका अंग्रेजी अनुवाद कह लें तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है। अच्छा। ये पहले से व्यवस्था चल रही थी मनमोहन सिंह जी के समय और रिजर्व बैंक ने जो निर्णय लिए थे वो यही लिए थे कि बैंकिंग की सुविधा हमको नीचे तक पहुंचानी है। 1000 नागरिकों के पीछे हमारे पास बैंक का काउंटर होना चाहिए, 1000 नहीं तो 2000, 2000 नहीं तो 5000, ये सोच थी ही। और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से जो काम हो रहा था इसको हम लोगों ने जोड़ा पेंशन की व्यवस्था में आने वाली दिक्कतों से। लोग बैंक जाते थे और उनको वापस कर दिया जाता था कि पैसे नहीं आए हैं आपके, या आज बैंक के पास पैसे नहीं है, तो वृद्ध लोग, दिव्यांग लोग, विकलांग लोग, अकेली महिला है, बैंक 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, आपको आश्चर्य होगा कि बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में 150 किलोमीटर लोगों को आना पड़ता है 350 रुपए लेने के लिए। एक महीने का 350 रुपए अगर लेना है तो 150 किलोमीटर बस से यात्रा करके वो आते हैं और बैंक में पैसे नहीं हुए या उनके खाते में उस दिन पैसे नहीं आए तो वो फिर वापस, तो जितना खर्चा लगता है उतना तो उनका पेंशन नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देख के हम लोगों ने ये निर्णय किया था चुनाव के पहले ही कि घर पहुंच सेवा, यथासंभव घर पहुंच सेवा, नहीं तो पंचायत में आपको पैसे मिल जाएंगे। पहले नगद मिलते थे, उसमें बातें आई, ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन का विकल्प बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट में अगर हम महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं तो इसका एक पहलू था कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएंगे, दूसरा पहलू था कि सुविधा उपलब्ध कराएंगे, और तीसरा पहलू था कि जेंडर इक्वालिटी के लिए भी अगर महिलाओं को हम ये मौका देते हैं, घर की बेटी भी नहीं बहू, कि बेटी शादी होके चली जाएगी, तो बहू वहां है, उनको ट्रेन किया, दक्ष किया और वो ट्रेंड हो गए और एक एक करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन है, एक एक
करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन ये बहनें कर रही हैं। एक बहन कर रही है 60 लाख 70 लाख, उनको 5 पंचायत अमूमन दिए हैं ताकि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 2 दिन छुट्टी, 5 दिन आप कम से कम ये चुने हुए 5 पंचायतों में जाओ, अगले हफ्ते फिर 5 पंचायतों में जाओ, तो लोगों को मालूम है कि उस दिन आ रहे हैं, बाकी दिन अगर कोई आवश्यकता पड़ गई तो बैंक भी जा सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं होम सर्विस, कह सकते हैं होम डिलीवरी, होम सर्विस। और आप देखें इसमें कवरेज में हम लोगों ने दिखाया भी कि कैसे चारपाई में पड़े हुए लोगों को बैंक सखी जाके घर के अंदर पैसे उपलब्ध करा रही है, वहां पर उनके निशान लिया, बायोमेट्रिक्स लिया, उनका आधार कार्ड सीड किया और वहीं पैसे निकल के आपको कितने चाहिए 200 500 1000 2000 वहीं का वहीं आपको पलंग में है, आपको वहीं पर मिल रहा है। तो ये उसका उद्देश्य था और उसकी पूर्ति हो रही है, मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पे और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बेहद संतोष का विषय। अभी ये जैसे हम कैफे की बात करें, कैफे का ये नवाचार आपने किया, इसके बाद आपने एक नवाचार और किया है वहाँ पे कि होम सर्विस, जैसे कहेंगे कि हाट बाजार कहेंगे, उससे अब हाट बाजार आपने लगाना शुरू कर दिया है, मरीज अब डॉक्टर खुद वहीं आएंगे, हॉस्पिटल खुद पेशेंट के पास आएगा, ये इसका कैसे देखते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक कंपोनेंट एक्सटेंशन इसको मान लें कि सबको स्वास्थ्य का अधिकार, सबको स्वास्थ्य की सुविधा अगर हमको देनी है तो ये भी देखना है कि वो सुलभ भी हो। हम सबको दिल्ली बुला लें, आइए हम आपका इलाज कर देंगे, और आपके घर के नजदीक से नजदीक हम अगर पहुंच सकें तो हमने मितानिन की भी व्यवस्था की है, देश में व्यवस्था है, आशा वर्कर्स हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो कई लोग बीमार हैं लेकिन जा नहीं रहे, नहीं जा रहे तो एक खांसी कहीं टीबी में तो नहीं बदल जा रही, छोटी बीमारी जी, छोटी बीमारी कहीं बहुत बड़ी तो नहीं हो जा रही, तो उसके लिए आप अगर अस्पताल किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे तो अस्पताल के प्रतिनिधि को आपसे हम नजदीक से नजदीक जहां पहुंचा सकते हैं। और एक हाट बाजार साप्ताहिक ग्रामीण जीवन का एक हिस्सा है कि लोग आते हैं बाजार में, अगर उनको मालूम है कि वहां स्वास्थ्य की परीक्षण की भी व्यवस्था है, कुछ दवाइयों की भी व्यवस्था है, तो आप अन कारण से नहीं तो वहां उस कारण के लिए भी आ सकते हैं, बाजार भी करिए और दवाई भी लेना हो या जांच कराना हो तो वो भी हो जाएगा। एक आपका बयान आया था द टाइम जब आप सरकार में नहीं थे कि हम रमन सिंह का भी कार्ड बनाएंगे हमने सुना था आपको, और अब आपने बीडीएस में कार्ड, अपना भी कार्ड बनवाया है और अभी आपके जो बेटे हैं भतीजे उनका भी कार्ड मैंने देखा, तो इस सबको कैसे देखते हैं अब आपने अपना खुद राशन कार्ड बनवाया? कंसेप्ट था यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी का, इसको हम लोग पुश कर रहे थे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी मैंने इसको रखा था कि सबके लिए राशन आप कर दीजिए, इतने फर्जी कार्ड भी बने हुए हैं, इतने वैसे कार्ड भी बने हुए हैं, सबको तो ऐसे ही मिल ही रहा है, उतने ही चावल में सबको मिल जाएगा। तो खैर उन्होंने नहीं मानना चाहा और उन्होंने 35 किलो चावल की जो व्यवस्था खुद बनाई कि मैं भाई राखी के दिन बहनों को चावल दे रहा हूँ, 35 किलो के घर की चाबी दे रहा हूँ, उससे जब वो वापस आए तो उसपे कह लीजिए कि एक कटाक्ष के रूप में, लक्ष्य तो हमारा था यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी लेकिन लोगों में गुस्सा था, नाराजगी थी, दुख था, रोष था कि 35 किलो बोल के देखिए 7 किलो कर दिया, वो 5 का परिवार 7 का 35 किलो ही होता है लेकिन कम के परिवार को भी 35 मिल रहा था और उसके ऊपर का क्या होगा। तो इस बात को लेके हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा था कि 35 किलो व्यवस्था भी हम लागू करेंगे और यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी होगी कि मेरे आपको सबको कार्ड बनना चाहिए। तो उसमें रमन सिंह जी क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी को कर दी थी तो मैं ये कहा करता था कि पहला कार्ड हम लोग रमन सिंह जी को देंगे 35 किलो का, दोनों कारण, एक कि भाई ये आपको कह के स्कीम को तोड़ना नहीं चाहिए था उसका जवाब, दूसरा आपको अगर कार्ड मिल रहा है तो प्रदेश के हर नागरिक को भी मिल रहा है। मैंने अगर कार्ड बनवाया तो मैंने ये कहा कि मैं चावल नहीं उठाऊंगा लेकिन मैं कार्ड इसलिए बना के बताना चाहता हूं कि लोगों को ये लगे कि अगर टीएस बाबा का कार्ड बन रहा है तो मेरा भी बनेगा, सबका बनेगा, ये नहीं है कि कोई कारण होगा कि कार्ड ना बने, 100% छत्तीसगढ़ के नागरिकों को चावल उपलब्ध होगा, सिंगल है तो 10 किलो, परिवार में 2 हैं तो 10 और 10 20 किलो, तीसरा बच्चा पहला बच्चा पैदा हुआ तो सीधे 35 किलो, यानी जहां 10 किलो प्रति व्यक्ति है वो तीसरे स्तर 10 के आने के बाद 12 किलो प्रति व्यक्ति, तो छोटा परिवार भी रखिए कि आपको 12 किलो 35 किलो मिलेगा, ये नहीं है कि 7-7 किलो मिलेगा, अगर दूसरा बच्चा आ जाता है मान लीजिए 4 का परिवार हो गया तो भी 35 किलो, तो 9 किलो आपको मिल रहा है, 9 चौके 36, तो परिवार को भी सीमित रखने का एक संदेश इस व्यवस्था के अंदर निहित है कि परिवार छोटा रखिए और 35 किलो पाइए।
एक अगर हम बात करें तो अगर टी एस बाबा का कार्ड बना है तो लोग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं कभी कभी कार्ड बनवा के राशन लेने में उन्हें इन्फर्टी फील होता है, तो क्या ये संदेश देने की कोशिश की है कि टी एस बाबा ने अपना कार्ड खुद बनवाया या उनकी माँ का कार्ड बना है या उनकी बच्ची का कार्ड बना है कि भैया इन्फर्टी फील ना करें, सभी के कार्ड बनने हैं, जिसे जरूरत है वो ले, जिसे जरूरत उसे ना ले, इसे ऐसे देखते हैं। ये सोच तो मेरे में नहीं था, पर ये सोच जरूर था कि ये खाद्यान्न सुरक्षा की बात जब आई, खाद्यान्न सुरक्षा कानून बना, सोनिया जी उस समय एनएसी के माध्यम से उन्होंने इसको लाया था और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसको कानून के रूप में पेश किया था, तो सोच क्या थी कि कुपोषण अगर है तो ये चुनिंदे परिवारों में नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में ही नहीं है, दुनिया का 5 में से 2 आदमी कुपोषित भारत में, तो कुपोषण कोई आर्थिक सीमा तक सीमित नहीं था, तो एक ये संदेश इसमें है कि कुपोषण का शिकार कोई भी हो सकता है और आपको पीडीएस के माध्यम से अगर चावल मिलना है तो सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। ये है कि इनकम टैक्स पे को 10 रुपए किलो में लेना है तो वो वाली बात भी नहीं आनी चाहिए, मेरे मन में तो बात ध्यान में नहीं आई थी कि कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पे हैं और आप चाहते हैं कि चावल उठाएं तो आपको 10 रुपए किलो में वो चावल मिलेगा, आपका भी अधिकार उस व्यवस्था में है, आप भी टैक्स पे हैं, यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी है तो आपके लिए भी है। कई बार लोग कहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए आपने क्या किया, ये सब गरीबों की ही बात होती है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ है कि नहीं, मतदाता तो वो भी है, मतदाता तो वो भी हैं, करदाता बड़े वो भी हैं, उन्हीं के कर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हम बाकी सामान पहुंचाते हैं, तो जिनसे टैक्स लेते हैं उनके लिए भी कुछ है कि नहीं, आपके लिए भी है, आप आर्थिक रूप से संयोगवश बेहतर स्थिति में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो बिजली बिल भी आधी 400 यूनिट तक हो रही है तो उसमें भी मध्यम वर्ग का भी लाभ मिलेगा, 400 यूनिट तक आधी बिजली का बिल आपको देना है, आंशिक हो, लेकिन ये नहीं लगना चाहिए कि ये केवल एक वर्ग के लिए ही नीति बन रही है बाकियों के लिए नहीं, अंतर भी होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के लिए है किसी के लिए नहीं, तो उसी का एक हिस्सा ये। एक कोरबा में लेमरू जगह पड़ती है जहाँ पर खदान थी और आपने उस पर बड़ा संघर्ष किया है, हमने भी देखा है कई बार आपने विधानसभा से लेकर बड़ा हल्ला मचाया और कोई कई बार भाषणबाजी हुई कि सब वहाँ खदान है, बहुत सारी चीजें वहाँ हैं, लेकिन आपने वहाँ अभी एलिफेंट रिजर्व बना दिया है, तो ये कैसा लगता है जब आपने बना के सरकार में आप आए, 15 सालों में कुछ नहीं कर पाए, जैसी सरकार आई आप बराबर लड़ते रहे, अब वहाँ सफल हुए, ये यही राजनीतिक जीवन के संतोष के पल होते हैं कि आप किसी सोच के कारण किसी लक्ष्य को रखते हैं, किसी को डाउन करने के लिए नहीं, किसी की आलोचना करने के लिए नहीं। विधानसभा ने अब इनिशियली वो था 450 वर्ग किलोमीटर का, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने 1995 वर्ग किलोमीटर का ये हाथी रिजर्व बनाया है और 10 किलोमीटर का बफर जोन बनाया है, तो इसमें ये इनवायलेबल अब हो गया, यहाँ पर कोई खदान नहीं, कोई कुछ नहीं, लक्ष्य वही नहीं था, एक पर्यावरण की भी सुरक्षा, कैचमेंट एरिया की भी सुरक्षा, हसदो बांगो बांध है, नीचे के एक जिले की 91% जमीन की सिंचाई करता है, 91% चापा जांजगीर जिला, वहाँ की 91% भूमि सिंचित उस बांध से है, उद्योग लगे हैं उनको भी उसमें पानी मिल रहा है, यहाँ अगर माइनिंग चालू हो जाती तो कैचमेंट एरिया प्रभावित होता, सिल्टिंग वहां पर होती, कई कई चीजें थी, लेकिन वन्य प्राणी मानव संघर्ष का भी वो एक निजात के लिए विकल्प था कि यहाँ पर हाथियों के रहायशी क्षेत्र को भी अगर आप सुरक्षित करते हैं तो मानव वन्य प्राणी द्वंद्व को भी आप सीमित कर सकते हैं, आखिर जानवर है, उनके ही रहायशी क्षेत्रों में मानव बढ़ता चला जा रहा है, जंगल के काट काट के बसता चला जा रहा है और मानव वन प्राणी का द्वंद्व जब होता है, आदमी की मृत्यु तक होती है, हाथी ने कुचल दिया, ये क्यों हो रहा है, तो एक जान भी अगर जा रही है तो उसकी भी एक कीमत हुई, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कुल मिला के ये लेमरू के अभ्यारण्य की स्थापना का जो एक लक्ष्य है मुझे बहुत संतोष है। नरवा गरवा घुरवा गाबाड़ी, ये एक आपकी योजना है छत्तीसगढ़ में, अभी मध्य प्रदेश भी उस पर कहीं ना कहीं सोच रहा है कि यहाँ भी वो किया जाए, आपकी योजनाएं यहाँ पर लागू की जाएंगी तो क्या छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात होगी? क्या संतोष मिलता है कि हम लोगों ने चिंतन किया, सोचा और अगर सफलतापूर्वक लागू किया तो और लोग भी अगर उसको अपनाए तो यहाँ की चीजें हम लोग भी सोचते हैं और अपनाते हैं, अन्य प्रांतों में भी कई चीजें होती हैं, मैं भी गया राजस्थान गया देखने के लिए, यहाँ भी आया मध्य प्रदेश, यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग के लोगों से मैंने
मुलाकात की कि हाँ आप लोग क्या क्या कर रहे हैं. तो एक दूसरे से जानना समझना, संवाद रखना और सीख के स्थिति को बेहतर करना, आपसी स्थिति को, तो ये सामान्य होना चाहिए. उनसे ले लिया है, उनसे ले लिया नहीं होना चाहिए. कि काम हो रहा है, सब जगह हो रहा है, कहीं से भी कुछ चीज हम अगर उठा सकते हैं तो क्यों नहीं. हमारी किताबों में बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो छत्तीसगढ़ का ज्ञान नहीं है, देश दुनिया का और पीढ़ियों का ज्ञान है जिसका अंश सब जगह होता है. तो इसमें वो बात नहीं आनी चाहिए यहाँ का है या वहाँ का है. जहाँ जहाँ का जो अच्छा है उसको जानने की कोशिश करके अगर अपनाते हैं तो जरूर टी एस सिंहदेव साहब को याद करेंगे. सब कैफे बना रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में है, वह जगह बन रहा है, तो ये श्रेय आप तो निश्चित तौर पर आपके उसको जाता है. अंबिकापुर को हमारे मेयर साहब को याद करेंगे तो कोई हर्जा नहीं है. ऐसी बातें हो भी जाती हैं और वो चलेगा, वो चलेगा. पर लक्ष्य वो नहीं था, लक्ष्य ये था कि एक विकल्प. हम लोग को तो मालूम भी नहीं था कि इसकी प्रतिक्रिया क्रिया क्या होगी, इतना लोग इसको अपना लेंगे, हम लोग को बिल्कुल अंदाज नहीं था. हम लोग तो एक लक्ष्य को लेके चल रहे थे कि प्लास्टिक के निदान के लिए प्रयोग करते हैं. वो क्या कहते हैं, सुपर हिट हो गया, जब पिक्चर बनती है तो क्या पता चलेगी नहीं चलेगी. सर अभी अगर हरियाणा में इलेक्शन है और अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी. जो फीडबैक आ रहा है, सफलता के संभावनाओं को कभी नगण्य नहीं मानना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए. हम जीत सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, संभावना हमेशा निहित रहती है. लेकिन ये दोनों राज्यों में लोग कहते हैं कि टफ रहेगा. कांग्रेस को अपने पार्टनर्स के साथ या हरियाणा में अपने से जैसे भी लड़ रहे हैं, वहाँ काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तब सरकार वहाँ बनेगी. झारखंड में आप स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया हैं, कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको कि वहाँ पर, क्योंकि इसके इलेक्शन के बाद फिर झारखंड में इलेक्शन है और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है कि अब आप टिकट बंटवारे में आपकी महती भूमिका है, तो क्या लगता है आप झारखंड में आप ये बनाने में मतलब इस बार सफल होंगे क्या? लोकसभा के चुनाव के दरमियान भी हाईकमांड ने मुझे कहा था, कार्यालय से फोन आया था कि कुछ दिन आप वहाँ जाके, आरपीएन सिंह जी प्रभारी हमारे महामंत्री हैं वहाँ के, उनको लोकसभा चुनाव खुद लड़ना था, तो कि एक सीनियर कोई ना कोई वहाँ रहे. तो सीधे तौर पे कोई जिम्मेदारी वैसी नहीं थी, लिखित में नहीं थी, लेकिन इतना ही मेरे लिए काफी था, जिम्मेदारी थी वहाँ जाने के लिए. वहाँ जाके जब मैंने दौरा किया तो उस समय तो क्लियर माहौल था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट या कांग्रेस के साथ की गवर्नमेंट आ जाएगी झारखंड में. जेएमएम कांग्रेस साथ लड़ रहे थे, एनसीपी लोकसभा साथ में लड़ रहे थे, और साफ दिख रहा था कि लोगों की मनस्थिति है कि गवर्नमेंट आएगी. लोकसभा चुनाव के बाद में जब बीजेपी को एक क्लियर बहुमत मिल गया दिल्ली में, तो एक थोड़ा सा ब्रेक सा लगा है. तो वहाँ भी मेहनत लगेगी, लेकिन अच्छे चांस हैं वहाँ पर. जहाँ तक मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी से लोग ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं, उनका व्यवहार हो या क्या क्या कारण, मैंने बहुत अंदर से मैंने नहीं देखा, लेकिन उनसे असंतोष है. पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण से. तो एक वो बात ओपनिंग देती है. दूसरा, जो ट्राइबल बेल्ट है ये ट्रेडिशनली कांग्रेस और जेएमएम के साथ रहा है. तो 28 सीटें ट्राइबल हैं, 9 सीटें एससी की हैं, तो 37 सीटें तो यही हो गई. 42 सीटों में आपका गवर्नमेंट बनती है, 81 सीटों की विधानसभा है, तो 28 और 8 26 36 36 सीटें तो एसटी एससी हैं. अब बाकी चीज को छोड़ दें अगर, तो इन क्षेत्रों में कांग्रेस का जेएमएम की प्रेजेंस अच्छी रही है. फर्स्ट सेकंड. पिछले बार कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो कुछ जीती थी, कम जीती थी, 7-8-9 सीट जीती थी, बाकी में सेकंड थी, कई सीटों में सेकंड थी, और जेएमएम कुछ सीटें जीती थी. ये मिलके अगर चुनाव लड़ते हैं, अच्छा साझा पहल करते हैं, सभी कार्यकर्ता भी, सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं होती है, कार्यकर्ता भी एक दूसरे के लिए वोट दिलाते हैं, तो बहुत अच्छी संभावना है हाँ गैर बीजेपी सरकार बनने की, जेएमएम के साथ कांग्रेस की सरकार बनने की बहुत अच्छी संभावना. आखिरी सवाल है सर कि अब जब भी जैसे हम लोकसभा इलेक्शन आप कांग्रेस हारी थी तो राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद बहुत सारा चलता रहा, अभी तक कोई उस पर विचार विमर्श होता रहा. अभी बयान आया सलमान खुर्शीद का, उनके बयान के बाद बराबर बहुत सारे बयान आते चले जा रहे हैं. ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आया है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, आत्म अवलोकन की जरूरत है. तो क्या ऐसे बयानबाजी से क्या कांग्रेस को बचना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? काफी वरिष्ठ नेता हैं, आप स्पष्ट बोलते हैं, कैसे देखते हैं सब पूरे घटनाक्रम को? सामान्य रूप से इन बातों में तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं लग रही. कभी कभी मध्य प्रदेश से कुछ बयान मैंने सुने, वो आपत्तिजनक है. ये तो सामान्य
चिंतन वाले बयान है कि आत्ममंथन आत्ममंथन क्यों नहीं करना चाहिए। सिंधिया जी, आत्ममंथन किस सिलसिले में कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि नई लीडरशिप हमको बनानी है? आत्ममंथन करना कि कांग्रेस आज जिस दलील पे है, सिंधिया जी का कश्मीर को लेके भी एक अलग स्टैंड आया था। तो उन्होंने वहाँ की जो भी परिस्थिति थी, जिस कारण से था, स्वयं मैं आंशिक रूप से ही सहमत सिंधिया जी के बयान से था कि 35A और 370 एक अलग इशू हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लोग वहाँ की विधानसभा का विखंडन कर दिया, एक प्रदेश का ही विखंडन कर दिया, मैं उससे सहमत ना उस समय था, ना आज हूँ, ना कल रहूँगा। तो अपने अपने सोच और दायरे के अंदर के ऐसे बयान आते हैं। चिंतन और आत्मचिंतन जो नहीं करेगा वो ठहराव में आ जाएगा, वो आगे नहीं चल पाएगा। तो चिंतन और आत्मचिंतन तो जहां तक है सही है। मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ लोगों के बीच में जाके काम करना है, बाकी ऊपर चिंतन होता रहे, स्ट्रेटेजीज बनती रहे, वो सब होता रहे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के लिए बुनियादी चीज होती है, वो लोगों से संपर्क, नीतियां बनती हैं, काम होते हैं, तो आप एक काम करोगे तो एक काम पेंडिंग होगा, एक सड़क बनाओगे तो दूसरा सड़क बनेगा, ये नहीं कि सड़क ही बनाना बंद कर दो, उसको चलने दो, मांग आती रहेगी, काम आता रहेगा। जब आप सत्ता में आओगे तो आपका आपसे जो उम्मीदें हैं उसके सामने आप खरा नहीं उतरोगे तो उसकी आलोचना भी होगी, वो चलता रहेगा। सबसे स्थायी चीज मेरा राजनीतिक अनुभव मुझे जो सिखाया उसने ये बताया कि लोगों से संपर्क निरंतर होना चाहिए, ये जब टूटेगा तो राजनीतिक सफलता में बाधा पहुंचती है। तो ये करना है, आप सोशल मीडिया से करो, आप वर्चुअल मीडिया में करो, आप रियल टाइम में करो, आप शारीरिक रूप में करो, लेकिन लोगों से संपर्क होना चाहिए। बस मेरे को तो लगता है कांग्रेस को यही मंथन करना चाहिए कि लोगों के बीच में आप कैसे जा रहे हो। अभी छत्तीसगढ़ में देखिए गांधी जी की रैलियां और ये सब निकल, वो क्या हो रहा है, लोगों के बीच में कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कभी पा रहे हैं इस बात की क्या कि नहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं? सब जगह होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो जितना नहीं हो रहा है उतनी कमी। लोगों को, हर जनप्रतिनिधि को अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से लगातार सतत संपर्क में रहना चाहिए। और मेरा जो दूसरा अनुभव रहा कि कांग्रेस के संगठन के बहुत सारे लोग हैं, उनका जो कांग्रेस के लिए योगदान सबसे बड़ा रहा है। आज भी आप देखिए दिल्ली के चुनाव में हमको 52-54 सीट मिले, लेकिन वोट शेयर कितना मिला? 19.8%, करीब करीब 20% वोट शेयर फिर भी मिला, जबकि सीट हमको इतनी कम आई। तो कहीं कांग्रेस है ना, ये जो हमारे संगठन के लोग हैं जो सतत दिनचर्या में लोगों से संपर्क में रहते हैं, दुख सुख में रहते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, जीवनी मरनी में जाते हैं, काम के लिए उनके लिए खड़े होते हैं, थानों में जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, इत्यादि इत्यादि, कई स्कूल के एडमिशन की बात हो गई, कॉलेज के एडमिशन, ऐसे काम से जुड़े हुए कांग्रेस के संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि, बस केवल मुझे लगता है कि कांग्रेस को यहाँ ध्यान प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। ये आप करो और आप चुनाव के परिणाम देखो। आखिरी सवाल मेरा, हनी ट्रैप की आज क्या छत्तीसगढ़ भी पहुंची है? हनी ट्रैप मध्य प्रदेश में काफी छाया है, लेकिन अभी तक सरकार ने जो SIT बनी है अभी किसी के नामों के खुलासे नहीं किए। हालांकि इसमें मेरा ये मानना है कि ये निजी जीवन की जो बातें होती हैं, देखिए हनी ट्रैप शासकीय किसी काम को प्रभावित करने के लिए आपने ये हनी ट्रैप या किसी महिलाओं का या किसी प्रलोभन का आपने उपयोग किया, वो आपत्तिजनक है। सार्वजनिक जीवन में कहीं ना कहीं एक लाइन खींचनी भी जरूरी है। मुझे ये लगता है कि निजता की उस हद तक भी रक्षा होनी चाहिए। अगर आप निजी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में प्रभावित करने की स्थिति में हो और वहाँ ये हनी ट्रैप की जो परिस्थिति है इसके कारण आपने कोई निर्णय लिए जो प्रभावित कर सकते हैं और लोगों को, तो ये एक अलग बात होती है, वरना निजी जीवन का एक ये होना चाहिए। और हनी ट्रैप की बातें आ रही हैं तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने सुना कि वहाँ के भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है, कुछ अधिकारियों के नाम लिए बिना कि कुछ अधिकारी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, पर व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि एक सीमा के बाहर एक सीमा होनी चाहिए, निष्ठा की भी रक्षा होनी चाहिए। हमारे साथ थे स्टीयर सिंह साहब, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि निष्ठा की रक्षा होनी चाहिए, तो वहीं छत्तीसगढ़ में नवाचार करने के लिए वो जाने जाते हैं। एक तरफ कैफे, उन्होंने इतना अच्छा शब्द दिया है कि प्लास्टिक लाइए और खाना ले जाइए, साथ में अब
जो बीमार मरीज हैं उन्हें अस्पताल तक नहीं आना है, डॉक्टर खुद उन तक पहुंचेंगे। तो नवाचार करने के लिए माहिर टीएस सिंह जी साहब हमारे साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे पूरे देश में जो वहाँ जो दर्ज आ रही है वो पूरे अगर हम प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ इस समय काफी अच्छाइयों के साथ बुलंदियां छू रहा है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ अरविंद चौहान।